एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। द्वितीय निहार्यु भास्कर कहा गया, सूर्य के समान थे। पूजा पाठ भजन पूजन में विरत रहते थे। एक दिन एक वेश्या को देखा और उनका मन बिगड़ गया। वासना के आने का मार्ग हमारे नेत्र है और उपासना भी आने का मार्ग हमारा नेत्र है। आंखें सब बोलती हैं और आंखों पे कंट्रोल रखना चाहिए। मन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ यदि किसी का है तो वो आंखों का है। वासना का प्रवेश आंख से होता है। पहली बार किसी को देखना, दो बार किसी को देखना और बार बार किसी को देखना, इसका अर्थ है कि आसक्ति नेत्रों से प्रारंभ हो जाती है। नेत्रों से आसक्ति आती है और मन चलायमान हो जाता है। वेश्या के ऊपर आसक्त हो गया अजामिल, घर में ले आए, 10-20 बच्चे हो गए, गरीबी आ गई, भजन पूजा पाठ छूट गया, लूटने पाटने का काम प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे पाप में प्रवृत्त होने लगे, जंगल में लकड़ी काटने लगे, लोगों को सताने लगे और सारा काम छूट गया। एक दिन गांव में महात्मा लोग आए, लोगों ने कहा कि भैया किसके घर रहना है, तो गांव वालों ने मजाक में कह दिया कि एक बहुत बड़े संत रहते हैं यहां, उन्हीं के यहां चले जाओ। कौन है वो संत? कहा नाम अजामिल है। सोचे बाबा जी का एक कमंडल मंडल हो वो भी छीन लेगा, भेज दो वहीं, बदमाश टाइप के लोग होते हैं ना कुछ, उनको इसी में आनंद आता है, चले जाओ संत के पास। महात्मा भी अपना कमंडल उठाए, चेलों को साथ लिए और पहुंच गए अजामिल के घर। अजामिल घर पे नहीं था, पत्नी थी। बहुत सेवा सत्कार किया कि हमारे यहां कम से कम कोई महात्मा आया। तो जब से हमसे विवाह किया है समाज ने हमारा बहिष्कार कर दिया, हमारे घर कोई आता नहीं है। हमारा भाग्य है कि महात्मा पधारे हैं, संत पधारे हमारे घर, बहुत सेवा किया, कच्चे पदार्थ दे दिया, आटा भाटा दे दिया अपना। महात्माओं ने प्रसाद बनाया, भोग लगाया, प्रेम के साथ जयकारा लगाया, प्रसाद पाया और प्रसाद पाकर विश्राम करने जा ही रहे थे कि अजामिल आ गया। अरे देखते ही भारी विकट नाराज हुआ महाराज, लगा जोर जोर से चिल्लाने, कहां से आ गए तुम लोग, कंगले जहां देखो घूमते रहते हो दिन भर, कोई काम धाम नहीं, चाहे जिसके यहां पहुंच जाते हो तुरंत भोजन करने लगते हो। बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। महात्मा ने कहा सुनो, चिल्लाना बाद में, पहले हमारी दक्षिणा दे दो। तो हमसे दक्षिणा मांगते हो, जानते हो कौन हूं मैं? तुम जैसे बाबाओं का ये लोटा वोटा जो लिया वो सब छीन लेता हूं, दक्षिणा मांगते हो? चिल्लवा ने पीछे से कहा गुरुजी यहां से भाग चलो, जजमान बड़ा खतरनाक दिखता है, यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरुजी ने कहा बेटा रुको, और जोर जोर से चिल्ला रहा था तब तक पत्नी निकल कर आई बाहर, और पत्नी आते ही बरस पड़ी। ऐसे बोला जाता साधु महात्माओं से, तुमको बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे बात करना चाहिए घर आए मेहमान के साथ?
पत्नी को तो देखकर बड़े बड़े के टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं, एकदम सरेंडर हो गया, शांत। हम कहां कुछ कह रहे हैं। संतों ने कहा बेटा तुम्हारे पास स्टेबलाइजर अच्छा है, तुरंत वोल्टेज डाउन हो गया है तो। अरे कहा बड़े बड़े का हो जाता है। एक बात है कि भोजन कर लिया हूं, दक्षिणा जरूर चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के भोजन नहीं होता, उसका फल नहीं मिलता है। अजामिल सोचा अच्छे चक्कर में पड़ गए, देखो दक्षिणा भी मांग रहे हैं। अच्छा दक्षिणा के नाम पर हम एक ही चीज जानते हैं, पैसा, दूसरा हम कुछ नहीं जानते। कोई दक्षिणा कहे तो पैसा, पैसे का दान तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहला दान ज्ञान का दान, दूसरा दान अन्न का दान, तीसरा दान पैसे का दान। ज्ञान जीवन भर रहता है, अन्न खून बनकर महीने भर रहता है, और पैसा एक आध घंटा रहता है। बेटा दक्षिणा तो देना पड़ेगा, क्या दक्षिणा चाहिए बताओ। कहा तेरी पत्नी को जो बालक होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। तो इसमें आपकी कौन सी दक्षिणा है? ज्योतिषी हो क्या, जानते हो कि मेरे पत्नी को बेटा ही होगा, बेटी हो गई तो, और हमारा बेटा है, हम अपने बेटे का नाम नारायण रखें चाहे रावण रखें, आपको क्या मिलेगा? महात्मा ने कहा बेटा जब तू अपने बच्चे का नाम नारायण नारायण कह के पुकारेगा ना, तो उसका जो फल है वो थोड़ा हमें भी मिल जाएगा। ठीक है देखेंगे, जाओ। महात्मा चले गए। कालांतर में ऐसा हुआ, पुत्र हुआ, संतों की बात मानकर अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। सबसे छोटा बेटा है तो सबसे ज्यादा प्यार करता है। धीरे धीरे मृत्यु का समय आ गया, प्राण लेने के लिए यमदूत आकर खड़े हो गए। काले काले बाल, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, काला काला कपड़ा, बड़े बड़े दांत, और देखकर यमदूतों को चारपाई पे पड़ा हुआ अजामिल लगा चिल्लाने। तो कोई दूसरा तो याद आया नहीं उसको, सबसे पहले अपना बेटा ही याद आया। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणा होयम। दूर खेलते हुए अपने बेटे नारायण को बोला, बेटा नारायण कहां हो, मेरी रक्षा करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन नारायण बेटा तो रक्षा करने नहीं आया, लेकिन नारायण के दूत रक्षा करने जरूर आ गए। बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहने हुए, बढ़िया मुकुट पहने हुए, वैजयंती माला पहने हुए, मुस्कुराते हुए भगवान के दूत आकर खड़े हुए। यमदूतों ने जब देखा कि ये यहां, आप लोग कैसे आ गए? आप लोग तो किसी अच्छे आदमी के पास जाते हो जो कथा सुनता है, प्रवचन सुनता है, भजन करता है, भक्ति करता है, उपासना करता है, उसके पास जाते हो, उस पापी के पास क्यों आ गए? भगवान के दूतों ने कहा इसलिए आ गए क्योंकि इसने मेरे नारायण को बुलाया है। कहा आप लोग गलत फहमी के शिकार हैं, इसने आपके नारायण को नहीं अपने बेटे नारायण को बुलाया है। भगवान के दूतों ने कहा अच्छा पहले नारायण हमारे प्रभु का था कि नाम की इसके बेटे का था, आज नारायण कौन है? तो कहा आज नारायण तो प्रभु ही है। तो बोले फिर अजामिल सुन रहा है चारपाई पे पड़ा पड़ा, सोच रहा है कि संतों की बात मानकर अपने बेटे का नाम नारायण रखा, एक बार बुलाया तो भगवान के दूत आ गए, जीवन भर जो भगवान के नाम का कीर्तन करता होगा उसकी क्या गति होती होगी। अपने बच्चे का नाम सोच समझ कर रखो भाई, आजकल तो निक नेम रखा जाता ना, गूगल गुरु से पूछ के।
पहले बड़ा नाम होता है महाराज, बड़ा नाम नहीं छोटा नाम निक नेम। टिक्कू पिक्कू चिक्कू गिल्लू बिल्लू, अंग्रेज लोग अपने कुत्तों का नाम रखते थे, भारत के लोग अपने बच्चों का रखते हैं, कहते हैं मॉडर्न है निक नेम। नामकरण हमारे यहां एक संस्कार था, एक शब्द माता, एक अक्षर मां का और एक अक्षर पिता का मिलाकर तब नाम रखा जाता था। आज तो कुछ भी नाम रख दे आदमी, कुछ एक ने नाम रखा शिवरंजन ज्योति रंजन, तीसरे से पूछा कि इसका क्या रखें, तो कहा इसका नाम रख दो डाबल लाल दत्तमंजन। अपने मन का ही नाम भगवत परक रखा जाए तो अनजान में भी नाम लेने से पाप जलकर मुक्त होते हैं। नारायण नाम की इतनी महिमा है कि अनजाने में लिए हुए नाम का ये प्रभाव कि भगवान के दूत सामने खड़े हैं।